कहा जाता है ना, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जिन्होंने बुढ़ापे में प्यार किया। ऐसी ही कहानी सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, जब एक भारतीय बिजनेसमैन ने 91 साल की उम्र में अपने प्यार का ऐलान किया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने प्यार के बारे में भी बताया, कैसे प्यार हुआ ये भी बताया और उनका नाम भी बताया। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं, बिजनेसमैन और डीएलएफ ग्रुप के चेयरमैन केपी सिंह हैं। इन्होंने बताया कि इनको 91 साल की उम्र में प्यार हो गया है और अब इन्हें बहुत सब कुछ अच्छा लग रहा है। जब इनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी तब इनके जीवन में खालीपन आ गया था, ये अकेले रहने लगे थे, लेकिन जब से इनके जीवन में प्यार की एंट्री हुई है तब से सब कुछ बदल गया है। केपी सिंह ने बताया कि उनको नई पार्टनर मिल गई है, उनका नाम शीना है। वो उनकी जिंदगी में सबसे अच्छे लोगों में से एक है। वो इनकी जिंदगी में एनर्जी देती है, उनकी जिंदगी को खुशियों से भर देती है, उन्हें बहुत अब सब कुछ अच्छा लगता है। केपी सिंह ने कहा कि शीना मेरी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। केपी सिंह की लव स्टोरी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है और लोग इस पर रिएक्शंस दे रहे हैं। वैसे इस लव स्टोरी को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा।